देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित, कहा 100 करोड़ वैक्सीन डोज केवल एक आंकड़ा ही नहीं, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है। मायावती ने साधा कांग्रेस पर निशाना, ट्वीट कर कांग्रेस पर कसा तंज, कहा इन पर विश्वास कौन और कैसे करें। योगी सरकार ने लिया फैसला, 6 आईपीएस अधिकारियों के किए तबादले, एसआईटी के प्रमुख उपेंद्र अग्रवाल का नाम भी शामिल। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर उपेंद्र तिवारी का बेतुका बयान, अखिलेश यादव ने साधा निशाना, कहा जनता मंत्री जी को पैदल कर देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजू नारायण। देश ने एक दिन पहले ही कोरोना वैक्सीनेशन के 100 करोड़ के आंकड़े को पार किया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संबोधन किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि 100 करोड़ वैक्सीन डोज केवल एक आंकड़ा ही नहीं, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब भी है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। पीएम मोदी ने कहा कि आज कई लोग भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे हैं। भारत ने जिस तेजी से 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया उसकी सराहना भी हो रही है, लेकिन इस विश्लेषण में एक बात अक्सर छूट जाती है कि हमने शुरुआत कहां से की। जब 100 साल की सबसे बड़ी महामारी आई तो भारत पर सवाल उठने लगे, क्या भारत इस वैश्विक महामारी से लड़ पाएगा, भारत दूसरे देशों से इतनी वैक्सीन खरीदने का पैसा कहां से लाएगा, भारत को वैक्सीन कब मिलेगी, भारत के लोगों को वैक्सीन मिलेगी भी या नहीं, क्या भारत इतने लोगों को टीका लगा पाएगा, भांति भांति के सवाल थे। लेकिन आज ये 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज हर सवाल का जवाब दे रही है। तो देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने तमाम बातें की हैं कोरोना वैक्सीनेशन को भी लेकर, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बहुत सारे सवाल उठ रहे थे जब 100 साल की ये भी महामारी आई, तो इसके बाद लगातार ये देश कहते रहे कि भारत कैसे इस बीमारी से लड़ पाएगा, इस महामारी से लड़ पाएगा, क्या भारत वैक्सीन खरीद पाएगा और अगर खरीदता है तो पैसा कहां से लेकर आएगा, ये सवाल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में साफ कह दिया कि जितने भी सवाल उठ रहे थे उन सभी सवालों का जवाब ये 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा अध्यक्ष मायावती विरोधी दलों पर हमलावर हैं। मायावती ने अब कांग्रेस पर तीखा हमला बोल दिया है। प्रियंका गांधी की तरफ से यूपी में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी दिए जाने की घोषणा को लेकर मायावती ने पलटवार कर दिया। इसके अलावा मायावती ने महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी पर भी वार किया है। मायावती ने शुक्रवार सुबह ट्वीट कर अपने अंदाज में कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया। मायावती ने कहा कि कांग्रेस ने चुनावी छलावे की तरह बीजेपी और सपा की तरह ही कई तरह के लोक लुभावने वादे करने शुरू कर दिए हैं, जिसके तहत इस पार्टी ने यूपी में सरकार बनाने पर उत्तीर्ण छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी देने की बात कही है। लेकिन मूल प्रश्न ये है कि इन पर विश्वास कौन और कैसे करे। तो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पारा काफी ऊपर चढ़ा हुआ है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप भी लगातार देखने के लिए मिल रहा है। मायावती कांग्रेस पर हमलावर होती हुई नजर आई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से प्रलोभन कांग्रेस दे रही है वो चाहती है कि जनता उन्हें स्वीकार कर ले, लेकिन लोक लुभावने वादे देकर जनता को अपने पक्ष में कांग्रेस नहीं कर सकती। इसके अलावा महंगाई को लेकर वो बीजेपी पर हमलावर होती हुई नजर आई। यूपी की योगी सरकार ने 6 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। उनमें लखीमपुर हिंसा की जांच के लिए गठित एसआईटी के प्रमुख उपेंद्र अग्रवाल का नाम भी शामिल है। उन्हें डीआईजी देवीपाटन रेंज बनाया गया है। इसके अलावा डॉक्टर संजीव गुप्ता को आईजी लॉ एंड ऑर्डर, अनिल कुमार राय को आईजी पीएसी सेंट्रल जोन, कविंद प्रताप सिंह को आईजी अयोध्या रेंज, राजेश मोदक को आईजी बस्ती रेंज और राकेश सिंह को आईजी प्रयागराज रेंज बनाया गया है। देर रात ये तबादले हुए हैं, 6 आईपीएस अधिकारी ये बताए जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस उपेंद्र अग्रवाल पर रखा गया है। दरअसल सरकार ने 6 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया।
उनमें लखीमपुर हिंसा की जांच के लिए गठित एसआईटी के प्रमुख उपेंद्र अग्रवाल का नाम भी शामिल है। लेकिन यहां पर यह कहा जा रहा है कि पिछले 2 से 3 सालों से इनका ट्रांसफर नहीं हुआ था, इसी वजह से ये तबादला किया गया है। उन्हें डीआईजी देवीपाटन रेंज बनाया गया। इसके अलावा डॉक्टर संजीव की बात की जाए तो संजीव गुप्ता को आईजी लॉ एंड ऑर्डर, अनिल कुमार राय को आईजी पीएसी सेंट्रल जोन, कविन प्रताप सिंह को आईजी अयोध्या रेंज, तो वहीं राजेश मुदक को आईजी बस्ती रेंज और राकेश सिंह को आईजी प्रयागराज रेंज बनाया गया है। संभव है कि आने वाले समय में और भी तबादले ऐसे देखने के लिए मिल सकते हैं। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर बेतुका बयान देकर योगी सरकार में मंत्री उपेंद्र तिवारी विरोधी दलों के निशाने पर आ गए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उपेंद्र तिवारी के बयान को लेकर जोरदार तंज कसा है। अखिलेश ने ट्वीट कर उपेंद्र तिवारी को आड़े हाथों ले लिया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने भी मंत्री के बयान को लेकर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा कि यूपी के भाजपाई मंत्री जी ने कहा है कि महंगे पेट्रोल से आम जनता को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 95% जनता को पेट्रोल की जरूरत ही नहीं है। अब मंत्री जी को भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जनता उनको पैदल कर देगी। सच्चाई तो ये है कि 95% जनता को बीजेपी की जरूरत नहीं है। अखिलेश ने यह भी पूछा कि थार में तो डीजल पड़ता है ना। आपको बता दें कि योगी सरकार में मंत्री के बयान के बाद लगातार जो विरोधी दल हैं वो उन पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। दरअसल इन दिनों पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर आम जनता त्रस्त है। लेकिन शायद उपेंद्र तिवारी जी को ये अंदाजा नहीं है कि जनता कितनी परेशान है, तभी तो उन्होंने इतना बेतुका बयान दिया। उन्होंने कहा कि 95% जो जनता है उसे पेट्रोल की जरूरत ही नहीं है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर उपेंद्र तिवारी विरोधी दलों के निशाने पर हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उपेंद्र तिवारी के बयान को लेकर जोरदार तंज कसा है। डीजल बिजली की सप्लाई सरकार कर रही है। आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो 4-व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है, और मुफ्त में आज 100 करोड़ से ऊपर लोगों को मुफ्त में वैक्सीन सरकार ने दिया। आज कोरोना में फ्री में इलाज दिया, घर घर में दवाइयाँ बांटी जा रही है। मुफ्त में दवाई, मुफ्त में पढ़ाई, मुफ्त में सिंचाई और मुफ्त में कढ़ाई, ये सारा सरकार मुफ्त में सरकार ने लिया है। और इस हिसाब से अगर अन्य राज्यों की तुलना करेंगे तो अभी उत्तर प्रदेश में और देश में बहुत कम मूल्य बढ़े। संजीव मिश्रा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजीव जी, सबसे पहले तो न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद संजीव जी। आखिर उपेंद्र तिवारी को क्या हो गया है? बढ़ती महंगाई को लेकर इतना बेतुका बयान, 95% लोगों को जरूरत ही नहीं है पेट्रोल और डीजल की। देखिए, जिस उद्देश्य से और जिस आधार पर उन्होंने बयान दिया है, उसको पूरे बयान को देखेंगे तो निश्चित रूप से उन्होंने जो बात कही है, हालांकि ये पार्टी का बयान नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो व्यक्तिगत रूप से बयान दिया है, उस बयान में उन्होंने अपने साथ जो चीजें जोड़ी हैं उनको भी रखना होगा। आपका बड़ा चैनल है, मैं बहुत सम्मान करता हूँ आपके चैनल का, लेकिन जिस तरीके की बातें उन्होंने कही हैं और रखी हैं, उन्हें सब बातों को देखते हुए जिस बात को रखा है, मुझे लगता है कि पूरी अगर बात रखी जाएगी ज्यादा बेहतर रहेगा। आपके लाखों करोड़ों दर्शक हैं। देखिए, आपने तो चैनल का सम्मान करके सवालों की लिस्ट ही खत्म कर दी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार और जो संगठन, जिस पार्टी की सरकार होती है, जवाबदेही भी होती है, तो कोई दो राय नहीं। मैं आपकी बात से पूर्णतया सहमत, लेकिन जिस तरीके से आज की तारीख में कोरोना वैक्सीन को मुक्त किया गया, जिस तरीके से खाद्यान्न को नवंबर तक मुक्त किया गया, तो इन सब चीजों को देखते हुए उन्होंने वो बयान दिया है। मुझे लगता है कि पूरे बयान को अगर उनका देखा जाएगा ठीक है। चलिए, जो आप कह रहे हैं संजीव जी, जो आप कह रहे हैं, चलिए मान लेते हैं कि पूरे बयान को देखना चाहिए, लेकिन जो सामने आ रही है चीजें, 95% जनता को पेट्रोल की जरूरत नहीं है, बस इसे आप मुझे समझा दीजिए कि क्या वाकई ऐसा है। नहीं देखिए, ये बात तो वो खुद समझाएंगे, उन्होंने बयान दिया है। मुझे लगता है कि उनको आप अगर लाइन पे ले तो ज्यादा बेहतर है। नहीं, हमने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं, तो जवाब फिर आपसे, क्योंकि आप भी पार्टी से बने हुए हैं। पार्टी लाइन अगर इस पर कोई तय होगी तो निश्चित रूप में आपको
देखिए पार्टी लाइन अलग चीज है, लेकिन वो तो आपकी पार्टी में ही मंत्री है ना, सवाल तो आपसे भी होंगे। मैंने कहा कि उनके पूरे बयान को आप देखेंगे जिस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बयान दिया है। ये बयान अगर विपक्ष ने दिया होता फिर आप यही कहते कि पूरे बयान को देखिए, तब तो आप नहीं कहते। नहीं, विपक्ष है ही कहाँ, विपक्ष के पास तो केवल जो हम या हमारी पार्टी के या हमारी सरकार के लोग बोलते हैं उस पर टिप्पणी कर रहे हैं, बाकी उनके पास है नहीं। उनको तो जवाब दे दिया, 2017 का जो इलेक्शन था, 5 साल का उनका जो विकास था उसको जनता ने जवाब दिया, 50 के नीचे 47 पर आ गए। अरे उनके पास इश्यूज नहीं है, आज जनता से कोई कनेक्टिविटी नहीं है उनकी, और इस तरीके के बयानों के आधार पर अगर वो राजनीति कर रहे हैं, मुझे लगता है 2022 का इलेक्शन देखिएगा, प्रचंड बहुमत से जब योगी जी की सरकार बनेगी तो ये करेंगे क्या, मुझे तो इस पर वो होगा। 2017 में आपके साथ आई थी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, उनके अध्यक्ष भी यही बयान दे रहे हैं, तंज कस रहे हैं इसी बयान पर। अब उन्होंने तो अपने पूरे परिवार को, अपने बेटे को राज्य मंत्री और अपने परिवार को ही सबको बनाना था। अगर उनके पास निश्चित रूप से उनका अपना समाज भी अगर होता और समाज के लिए कुछ किया होता, वो केवल अपनी सड़क बनाने के लिए अपने घर तक सड़क बना दी जाए, इसके लिए वो मारामारी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने समाज के लिए कुछ किया नहीं, और उनके समाज बहुत से लोग हमारे यहाँ मंत्री भी हैं, हमारे पदाधिकारी भी हैं, जो निश्चित रूप से अपने समाज को लेकर के चल रहे, तो समाज को लेकर चली कहाँ रहे थे, उनको अपनी पार्टी को लेकर के चल रहे थे, अपनी पार्टी भी में भी अपने परिवार को लेकर चल रहे। अच्छा है समाजवादी पार्टी भी पारिवारिक पार्टी और वो भी अपनी पार्टी के नाम पर परिवार को ही लेकर चल रहे, तो ये अच्छा गठबंधन। चलिए ठीक है संजीव जी, आपकी बातों से ये जरूर साफ होता है कि अगर ये बयान अगर विपक्ष ने दिया होता तो जरूर आप ये नहीं कहते कि पूरा बयान सुनना चाहिए, और ये भी साफ है आपके लिहाज से कि विपक्ष तो प्रदेश में है ही नहीं, तो फिर आपको पहले ही मैं मुबारकबाद दे देती हूँ। नहीं, विपक्ष की स्थितियाँ नहीं है ना, जनता से कोई कनेक्टिविटी नहीं, जनता के लिए कोई शुभकामनाएं ले लीजिए। अब आज की तारीख में जो देखा जाए, स्पष्ट है कि जो हमारी पार्टी या हमारे सरकार के लोग जो भी अगर स्टेटमेंट भी देते हैं तो उस पर वो झपली लेकर के बजाना शुरू करते हैं, तो ये तो दोनों तरफ से होता है। नहीं, संजय जी, ये तो दोनों तरफ से होता है, ऐसे पहली बार थोड़ी ना हुआ है, ये तो दोनों तरफ से होता है। चलिए आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पेट्रोल डीजल पर योगी के मंत्री का भी का बयान सामने आया। यहाँ पर जब भी हम किसी प्रवक्ता या नेता से बात करते हैं तो उनका साफ तौर पर ये कहना होता है कि ये पार्टी का बयान नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत बयान है, यानी ये कहा जा सकता है कि जब अपनी बारी आए तो पल्ला झाड़ लें, लेकिन अगर विपक्ष इस पर कुछ बोल दे तो फिर पूरा वीडियो सुनने की जरूरत नहीं है, पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, पूरा ऑडियो सुनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो आया है बस उसी पर राजनीति करनी है, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो फिर जरूरत हो जाती है कि पूरा वीडियो देखिए, पूरा जो बयान है उसे सुनिए। तो विपक्ष इस पर लगातार तीखी प्रक्रिया कर रहा है। रोहतास के सासाराम नगर थाना क्षेत्र में एक 70 साल के बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम राजगृह बिंद था। बताया जा रहा है कि राजगृह बिंद अपनी दुकान के सामने सोए हुए थे, उसी दौरान अपराधियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में लग गई है। फिलहाल परिजनों ने किसी तरह के रंजिश से इनकार किया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में भी जुट गई है। रोहतास का ये पूरा मामला जहां पर एक 70 साल के बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, परिवार का किसी रंजिश से इनकार है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। मामला यह है कि ये अपने मोहल्ला खमा में घर पे सोए हुए थे, रात में इनको जगाकर अपराधियों ने गोली मार दिया। फिर उसके बाद इलाज के लिए इनको सदर अस्पताल लाया गया। अच्छा, इलाज के दौरान ही इनकी मौत हो गई है। कौन है ये, क्या नाम है? मेरा सोनू कुमार नाम इनका राजगिरी बिंद नाम है। क्या करते थे? यह अपना मार्केट था इनका और खेती बाड़ी का काम करते थे। अच्छा, रंजिश वगैरह भी है इनका क्या था? अब रंजिश तो अभी फिलहाल में वैसे लगता नहीं है, लेकिन मामला जाँच का है। उसके बाद सासाराम के नव सृजित नगर निगम की गतिविधियों को सुचारू करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने नगर निकाय के अधिकारियों और कर्मियों के साथ बैठक की, साथ ही कई विकास कार्यों की समीक्षा भी की है। बता दें कि सासाराम नगर परिषद से नगर निगम में नव सृजित हुआ है, जिसके बाद अधिकारियों की विशेष टीम फिलहाल पूरे नगर निकाय को संचालित कर रही है। जिलाधिकारी इसके अधिशासी अधिकारी हैं, ऐसे में उन्होंने नगर में चल रही कई योजनाओं की जानकारी भी ली है।
रोहतास की तस्वीरें, कई योजनाओं की जानकारी यहां पर जिलाधिकारी लेते हुए नजर आए हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ भी एक विशेष बैठक हुई है। राम नगर निगम के अंतर्गत बहुत सा वर्क होना है, उसी से संबंधित बैठक खास और उसका डिटेल जो जो वर्क लिया गया है सबको जानकारी दे दी जाएगी। रोहतास के थाना क्षेत्र के सुंदरगंज में एक युवक ने अपनी पत्नी से झगड़ा कर अपनी ही घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक का नाम संतोष पासवान था। बताया जा रहा है कि संतोष पासवान का अपनी पत्नी से छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद चल रहा था। बीती रात भी पति पत्नी में तनाव हुआ और इसी तनाव के बाद पति ने अपने ही घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो पत्नी से विवाद के चलते पति ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि काफी समय से पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद चलता था, आखिरकार गुस्से में आके पति ने खुदकुशी कर ली। सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। पति पत्नी झगड़ा किया सब अपने में, फांसी लगा के मर गया। अच्छा, फिर इसके बाद में हम लोग आए सासाराम पोस्टमार्टम। कौन गाँव? सुंदरगंज। घरे झगड़ा था? हाँ। पति पत्नी झगड़ा किया? हाँ। ठीक ना, उसे में गुस्सा में फांसी लगा के अच्छा लगा लिया। फिर उसके बाद हम सासाराम ले पोस्टमार्टम में, सुंदरगंज का घर है। कौन था ना? रोहतास थाना। बेगूसराय के बीरपुर थाना क्षेत्र में एक युवक का शव उसके घर के पीछे बगीचे से बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने बेरहमी से युवक की चाकू से हत्या कर शव को फेंक दिया। लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जमकर हंगामा किया है। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की छानबीन की जा रही है। बेगूसराय का यह पूरा मामला, बदमाशों ने एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी और शव को फेंक कर फरार हो गए। मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है, शव को अपने कब्जे में भी लिया है। आईएसआई के लिए मतलब लिए जा रहे थे तो हम बोले जो खाना नहीं खाना है, तो बच्चा जो छोड़ा हुआ था संग में मतलब तो वो खा लिए। उसके बाद जो है सब साइकिल लिए, वहाँ पर गिर भी गए अंगना में, फिर साइकिल उठाया, फिर उसके बाद चले गए। तो डेली जाते थे, ऐसा नहीं आज ही गए, डेली अगर जो जाते थे तो हम भी सोचे घूमकर अपना आधा एक घंटा आ जाते हैं, तो बोले जो सो जाना, तो हमें अपन जो खाना नहीं खाए सो गए, बच्चा उच्चा को अपन लेकर अपना सो गए। उसके बाद जो है सुबह उठे तो उनको हम जैसे सटा कर रखे थे तो वैसा ही गेट था, आए नहीं। रोहतास के चिनारी थाना क्षेत्र में नवरात्र की रात अचानक घर से गायब हुई 14 साल की लड़की का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने घर से 500 मीटर की दूरी पर तीतरी गांव के पास से ही लड़की का शव बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। रोहतास से पूरा मामला सामने आया, जहाँ पर नवरात्र में गायब हुई लड़की का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। दरअसल घर से 500 मीटर की दूरी पर ही पुलिस ने शव को बरामद किया है। चिनारी से 33 से बॉडी मिला है। हाँ, सदर हॉस्पिटल हम लाए हैं। हाँ, तो फिर यहाँ क्या होगा? यहाँ मेथी पोस्टमार्टम के लिए लड़की गए बड़ी बीफे के बीफे के रात में। हाँ, तब क्या हुआ? तो हम जानने की मतलब अथुई खड़ताड़ी देखे को लिए लड़की नहीं, हम सो गए तो बिहान देखे तो हमारा लड़की ना गांव घर से पता करते लड़की नहीं मिला, चिनारी कहाँ हम खोजे लगने आ ना चला, हम थाना पर नोटिफिकेशन दे दी। रोहतास के सासाराम में एसपी जैन कॉलेज के खेल मैदान में रोहतास जिला क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर पासवान और चयनकर्ता दीपक कुमार, अमित कुमार की देखरेख में अंडर 25 के खिलाड़ियों का ट्रायल किया गया। अंडर 25 के ट्रायल में चयनित खिलाड़ियों में से 7 खिलाड़ियों और 3 स्टैंडबाय खिलाड़ी बीसीए की तरफ से आयोजित 22 से 25 अक्टूबर से मैनुअल हक स्टेडियम पटना में होने वाले अंडर 25 के ट्रायल में भाग लेने जा रहे हैं। तो चयन से खिलाड़ियों में खुशी की लहर देखने के लिए मिल रही है। आपको बता दें कि अंडर 25 के खिलाड़ियों का ट्रायल किया गया है, जिसमें कई खिलाड़ी चयनित कर लिए गए हैं।
बेगूसराय में 16 अक्टूबर को लापता दोनों बच्चों का शव मिलने पर जहां एक तरफ लोग अभी भी परिहारा थाना अध्यक्ष और बेगूसराय पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराज दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार को जल्द 50,000 रुपए और परिवार की सुरक्षा की गारंटी और क्षेत्रवासियों से वादा किया है कि ऐसे भ्रष्ट थानाध्यक्ष के खिलाफ SIT गठन करवाएंगे और उनके परिवार को इंसाफ मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव ने कहा, बिहार में अपराध की यूनिवर्सिटी है, बेगूसराय और पुलिस खुलेआम शराब बिकवाती है, बालू की कालाबाजारी करवाती है और सरकार है कि अपनी और अपने प्रशासन की कामयाबी की पीठ थपथपाते नहीं थमती है। सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए पप्पू यादव नजर आए। पीड़ित परिवार से पप्पू यादव मिलने पहुंचे। दरअसल यहां पर दो मासूम बच्चों की जान चली गई थी, हत्या कर दी गई थी, दोनों के शव मिले थे, जिसके बाद लगातार थाना अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लग रहे थे। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि यहां पर हम पहुंचे हैं, हम आपकी आर्थिक मदद भी करेंगे, साथ ही साथ जो थाना अध्यक्ष हैं, जो भ्रष्ट हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की भी मांग करेंगे। मैं बार बार कहता हूं कि बेगूसराय हमें लगता है कि यूनिवर्सिटी बन चुका है अपराध और अपराधियों का। इतनी बड़ी घटना और लगातार कई हत्या पर हत्या बेगूसराय में, एक नहीं, आप जिस कोने की ओर जाएंगे वहां आपको मौत मिलेगी। और उसके बाद जिस तरीके से सरकार गंभीर नहीं है, प्रशासन गंभीर नहीं है, केंद्र गंभीर नहीं है और ये असुरक्षित महसूस करते हैं, मैं तो कोशिश करूंगा कि सरकार SIT या CBI जांच कराए और अविलंब इसकी जांच SIT को दिया जाए। ये मैं आपको वचन देता हूं कि SIT की जांच मैं अविलंब करवाऊंगा, कार्रवाई भी पूरी होगी। हमारे ओर से 50,000 रुपया दोनों परिवार को, 25,000 रुपया पप्पू यादव और जन अधिकार पार्टी की ओर से इस परिवार को हम अभी दे रहे हैं। संबल के थाना जुनावा इलाके में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते किशोर के करंट लगने से मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से झुलस गया है। किशोर की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि देर रात दो किशोर फ्लॉट होने से टूटकर सड़क पर गिरी जर्जर लाइन की चपेट में आ गए। इसमें किशोर की मौत हो गई, उसका एक साथी गंभीर रूप से झुलस गया। किशोर की मौत से परिवार में कोहराम है। वहीं ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है। तो संभल का आईपुरा मामला, जहां पर किशोर के करंट लगने से मौत हो गई है, उसका साथी गंभीर रूप से झुलस गया है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट होने से जो लाइन है वो नीचे गिर गई थी, जिसकी चपेट में आने से किशोर की मौत हो गई, दूसरा साथी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का भी आरोप लगाया। उत्तराखंड में भारी बारिश से मची तबाही में मरने वालों की संख्या बढ़कर 65 हो गई है। मृतकों में 5 पर्यटक भी शामिल हैं। राज्य सरकार ने बारिश के कारण राज्य को 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने की बात कही है। बागेश्वर जिले में कापकोट के पास सुंदरदुंगा ग्लेशियर के पास फंसे पर्यटकों की मृत्यु की पुष्टि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्य के दौरे के दिन हुई है। शाह राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण करने आए थे। राज्य सरकार ने इस त्रासदी में 7,000 करोड़ रुपए के नुकसान का दावा किया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 60 लोगों की मृत्यु हुई थी। 5 पर्यटकों की मौत की सूचना देर शाम आई, जबकि सबसे ज्यादा 28 लोगों की मौत नैनीताल जिले में हुई है। अधिकारियों ने बताया कि एक पर्यटक लापता है, वहीं 4 पर्यटकों को सुरक्षित निकालने में कामयाबी मिली है। अधिकारियों ने बताया कि बागेश्वर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में करीब 65 पर्यटक फंसे हुए थे और अभी भी वहां फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए बचाव दल लगातार प्रयासरत है। तो उत्तराखंड में भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। इसके अलावा अब तक मरने वालों की संख्या 65 पहुंच चुकी है, जिनमें से 5 पर्यटक बताए जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी सुभाष मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुभाष, लगातार जो मरने वालों की संख्या है इस त्रासदी में वो बढ़ती जा रही है, 65 मृतकों की पुष्टि अब तक हो चुकी है, कितने लोग अभी और फंसे हुए हैं?
बिल्कुल, जिस तरीके से प्रदेश में मौसम का कहर देखने को मिला और उसके बाद ही खासतौर से कुमाऊं मंडल के अगर नैनीताल जनपद की बात की जाए या फिर ये कहा जा सकता है गढ़वाल मंडल में रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद की बात की जाए, तो आफत की बारिश इन जनपदों के लोगों के लिए जरूरी साबित हुई। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से बारिश के बाद जो भूस्खलन जैसी स्थिति, आपदा जैसी स्थिति प्रदेश में बनी, उसका खामियाजा बड़े स्तर पर उन ग्रामीणों को भुगतना पड़ा है जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते थे, जहां अभी भी रेस्क्यू कार्य चल रहा है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि लगभग 60 से अधिक लोग जो थे वो इस पर अपनी जान गंवा चुके हैं, बल्कि 20 से 25 ऐसे लोग हैं जो अभी भी घायल है, जिनका उपचार किया जा रहा है, और कई ऐसे लोग हैं जिन्हें ढूंढने की कोशिश अभी भी सेना, SDRF और स्थानीय प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कुल मिलाकर अगर नुकसान की बात की जाए तो 600 करोड़ से अधिक का नुकसान पूरे प्रदेश में देखने को मिला है, जिसका आकलन अभी तक किया जा रहा है। हालांकि जो आकलन है, जो सर्वे है, वो लगातार जारी है और ये देखा जा रहा है कि आकलन और कितना बढ़ सकता है, कितना नुकसान प्रदेश को इस आफत की बारिश से हुई। बिल्कुल सुभाष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो भारी बारिश में 5 पर्यटकों की मौत हो गई है, आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, 65 अब तक जो आंकड़े हैं वो सामने आ चुके हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।